Dear friend, namaste. Welcome to my channel Celi'z Prop and it's me Selena here. तो फ्रेंड्स, आज मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि अभी का जो सिचुएशन है बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, स्पेशली हम लोग जो सिलीगुड़ी में रहते हैं, क्योंकि अभी न्यूज़ सुन के ये भी पता चला कि एक जो कोरोना वायरस का विक्टिम यहाँ पे मतलब मिला है, तो होप सो एक ही हो और ज़्यादा ना हो। और आप लोगों को पता है कि क्या करना चाहिए जिसके चलते ये चीज़ ना फैले, यानी कि स्प्रेड ना हो सके। तो आप लोग घर में बैठो, और मैं देखती हूँ मेरा कॉलोनी में भी इतना ज़्यादा मतलब कुछ एक चीज़ होने के बाद ही बाहर जाना, गैदरिंग करना, ये अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइफ जीना ज़रूरी है। तो मेरा जितना भी सब्सक्राइबर है, भले सिलीगुड़ी का है, कैलिम्पोंग का, दार्जिलिंग का, और बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स का भी है एंड अब्रॉड का भी है मेरा सब्सक्राइबर, तो उन लोगों को मैं यही बताना चाहती हूँ कि इस क्रिटिकल सिचुएशन में कूल काम रहे। और कोई कोई इतना ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ फेसबुक में दे रहा है और बिना रिसर्च किया हुआ शेयर करते हैं व्हाट्सएप में या फिर फेसबुक में, और उससे मैं एक्चुअली मैं तो क्या सभी इरीटेट हो चुके हैं। तो ये सभी चीज़ को अलग रखते हुए आज का मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ ताकि एटलीस्ट आपका घर में जब रहेंगे या फिर रहना पड़ रहा है, कोई तो ये भी बोल रहा है कि उन लोगों को रहना पड़ रहा है, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल मत बोलिए क्योंकि घर से तो सब चीज़ शुरुआत हुआ है। आपको कहीं जेल में तो जाने के लिए नहीं बोला, तो घर में बैठने के लिए भी इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है। वो भी क्यों रिक्वेस्ट, क्योंकि वायरस अगर आप को लग जाए तो मान लीजिए क्योंकि होल फैमिली को भी स्प्रेड हो सकता है, उसके बाद में कॉलोनी को एंड उसके बाद में सब जन को। तो इसीलिए आज का वीडियो में वो इंजॉयबल मोमेंट आप बना सकते हो जब आप घर में बैठोगे। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जिससे एटलीस्ट आप घर में आराम से बैठो और इंजॉय करो, और बहुत सारा चीज़ है। तो चलिए आज मैं ये एक एक करके आप लोगों को ये स्टेप्स या फिर मेरा जो टिप्स है घर में बैठने के लिए वो मैं बताने जा रहे। तो लेट्स बिगिन। ओके, तो फर्स्ट जो मैं करती हूँ वो है कि बुक रीडिंग। सभी का आदत नहीं है, मुझे ये भी पता है, लेकिन बुक रीडिंग का मतलब ये नहीं कि खाली सब्जेक्ट्स का पढ़े। बुक रीडिंग का मतलब ये भी है कि कॉमिक्स भी पढ़ सकते हो, आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, राइट, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, आप बहुत सारे सिंपल जर्नल्स वगैरह पढ़ सकते हो। तो इससे भी आपका क्या होगा, टाइम अच्छे से स्पेंड होगा, प्लस ये क्वालिटी टाइम होगा। ऐसे ही फालतू में बैठने वाला टाइम बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन ये अच्छे से एक क्वालिटी टाइम होगा। नंबर टू, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ रहा है। बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे ये बोल रहे हैं कि देखो मेरा बच्चा इतना परेशान कर रहा है, कुछ भी नहीं करने देता है। तो उन लोगों के लिए भी क्या है कि हमेशा तो फ़ोन उन लोगों को देने से क्या होगा, गेम ही खेलेगा, राइट। तो अभी बहुत सारा ऐप ऐसा है जहाँ पे आप प्ले एंड लर्न गेम्स भी खेल सकते हो या फिर बच्चा खेल सकता है, और वहाँ से बहुत सारा मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को अच्छे से वो बाय लर्निंग ऐप भी उन लोग सीख सकते हैं। तो ये ऐप भी आप लोग डाउनलोड करिएगा और आपका बच्चे को एटलीस्ट कुछ काम दीजिए जहाँ पे वो लोग एंजॉय भी करेगा और सीख भी सकेंगे। नंबर थ्री, बहुत सारा मैंने आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल में मेरा डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल टिप्स दिया है, जिससे आपका मतलब नेचुरल हर्ब्स से या फिर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से जो किचन में मिल जाने वाले प्रोडक्ट से आप यूज़ कर सकते हो, तो वो नेचुरल ब्यूटी टिप्स भी यूज़ करें ताकि एटलीस्ट आप घर में रह रहे हो तो थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी मिले, रादर देन इतना टेंशन हो के फेस में रिंकल्स पिगमेंटेशन आने से अच्छा होगा कि कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ करें, खुद को ग्रूम अप करें, आपका ब्यूटी टिप्स भी शेयर करें दूसरे के साथ में। तो ऐसा करने से भी टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड होगा। और एक प्रॉब्लम जो आ रहा है वो है कि अभी शॉप्स सभी बंद हो चुका है, और किसी किसी का फेस वॉश ख़त्म हुआ, क्लिनजिंग ख़त्म हुआ। तो ये इसका सिंपल साधारण सा उपाय ये है कि आपका घर में मैदा होगा, बेसन ऑफकोर्स होगा, तो ये चीज़ मैदा या बेसन को थोड़ा सा रोज़ वाटर में क्या करके, रोज़ वाटर में थोड़ा सा मिक्स करके फेस में लगाइए। सुबह जब आप उठेंगे फेस वॉश करेंगे उस समय में, तो आपका स्किन फेस वॉश का काम ये कर देगा, क्लीन अप का काम अच्छे से ये कर देगा। और नेक्स्ट जो टिप्स है स्पेशली फॉर बॉयज़,
यानी कि मेन क्या होता है कि घर में उन लोग ज़्यादा बिकने का मन नहीं होता ऑब्वियसली, क्योंकि आदत हो जाता है. तो उन लोगों के लिए भी मैं ये बोलूँगा कि नेटफ्लिक्स में देखिए, नेटफ्लिक्स में डिफरेंट मूवी देखिए, एडवेंचर्स मूवी देखिए, हॉरर मूवी देखिए, जॉम्बीज मूवी देखिए, सीरीज़ देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हो. और दूसरा चीज़ है कि आप थोड़ा सा किचन में वाइफ को भी या फिर मदर को भी सिस्टर को भी मदद कर सकते हो, थोड़ा सा नॉलेज लेने में क्या जाता है, राइट? तो ये सभी चीज़ भी कर सकते हैं. और नेक्स्ट जो चीज़ है मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है, यही है कि सेफ्टी पहले आता है. क्योंकि वो सेफ्टी नहीं होने से क्या होगा, जितना भी आप घर में रह रहे हो वो बेकार होगा. तो इसीलिए तुरंत बाहर जाने का जो किसी का हैबिट होता है उसको कंट्रोल करिए, बाहर मत जाइए अनटिल एंड अनलेस कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ हो तभी आप बाहर निकलिए. और अभी तो ऐसा भी मैंने देखा है कि थोड़ा सा सब्जी का आवाज़ सुनने से ही इंसान ऐसा जाता है जैसे कि मैग्नेट चिपकने जैसा. तो ये बिल्कुल मत करिएगा, घर में बैठे आराम से बैठे सभी चीज़ का सुविधा है, क्योंकि हम लोग का लाइफ में सभी चीज़ सुविधा है. लेकिन ये चीज़ स्लम्स एरिया में देखिए, उन लोग के इतना कंजेस्टेड रूम में वो लोग भी रह रहे हैं. क्यों? क्योंकि जान है तो जहान है, राइट? तो ये चीज़ करिए आप लोग भी. तो ये सभी चीज़ मैंने आपको जो बोला है वो अच्छे से फॉलो करिए और ऐसे ही टाइम बीत जाएगा. और लास्ट बट नॉट द लिस्ट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने फेसबुक में मेरा फेसबुक पेज खोला है. तो मेरा जितना भी सब्सक्राइबर है उन लोगों को पता है. तो वो पेज में आप लोगों को सभी को मैं इनवाइट करना चाहती हूँ, आप लोग ज्वाइन हो जाए. और आपका जितना भी क्रिएटिविटी है, टैलेंट है, और कुकिंग भी लीजिए, सिंगिंग है, मैजिक परफॉर्म करना, बहुत सारी चीज़ें होता है. और टीचर्स लोग भी जो है वो अगर उन लोग को लग रहा है कि ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा है तो वो लोग भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं कोई भी चैप्टर्स को लेकर, वेदर दे आर फ्रॉम साइंस और फ्रॉम सोशल साइंस और मे बी इकोनॉमिक्स, एनी दे कैन जस्ट अपलोड द वीडियो इन दैट पेज, सो दैट एटलीस्ट वन आर टू स्टूडेंट कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम वॉट यू हैव मेड द वीडियो, दैन इट विल बी वर्थ फॉर एवरी वन. सो टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल, स्टे सेफ, स्टे एट होम. टाटा, नमस्ते.